तो सर ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि चलिए ये तो ठीक है आपने बंद कर दिया, बट अगर किसी को सीएचए का काम स्टार्ट कर रहा है तो वो किस तरीके से करें, मतलब क्या क्राइटेरिया है किसी का सीएचए बने? मेरे वीडियोस में भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सीएचए कैसे बने, क्या प्रोसीजर है सीएचए के लिए। देखिए हर साल मैं आपको बता दूं तो अगस्त से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इन तीन महीने के अंदर में एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है, जैसे आप उसका एग्जाम दे सकते हैं, एक फॉर्म निकलता है और उस फॉर्म के कुछ क्राइटेरिया है। अब उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट में पहले LLB भी किया हुआ आदमी फॉर्म भर सकता था, लेकिन अब LLB को हटा के LLM कर दिया गया है। अगर कोई अगर एजुकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन एजुकेशन की, तो या तो बंदा LLM है या हाँ या CA है या CS है या MBA किया हुआ है, फाइनेंस डिग्री होनी चाहिए हाँ, या MBA है फाइनेंस से, फाइनेंस में। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, यदि कॉमर्स से कोई ग्रेजुएट है तो हालांकि लिखा हुआ नहीं है, बट यदि आप कॉमर्स से ग्रेजुएट है तो फाइट करके ले सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों ने फाइट करके एग्जाम दिया और वो पास भी हुए हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है कि इतना होना नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टम हाउस एजेंट है, उसके अंडर में कोई पहले एच कार्ड बनता है, एच कार्ड बनने के बाद में फिर जी कार्ड का एग्जाम होता है, जिस तरह से कस्टम रुकर का एग्जाम होता है उसी तरह से जी कार्ड का एग्जाम होता है, रूल 9 का एग्जाम बोलते हैं। आप लोगों क्या है कि ये ना रोल डिवाइडेड है कस्टम्स में कि कौन क्या काम कर सकता है। एच कार्ड जो है वो जाके एग्जामिनेशन वगैरह जो डब्बे वगैरह खुलवाना है उसके लिए होता है, जो जी कार्ड होता है उसका साइन चलता है जी, एक्चुअली सीएचए के बिहाफ पे वो डॉक्यूमेंट्स पे दो चार डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर सकता है फाइल्स वगैरह पे। तो अथॉरिटी डिसाइड की गई है कि एच कार्ड की अथॉरिटी यहां तक है, जी कार्ड फिर एक एग्जाम देगा, जी कार्ड ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर वो एग्जाम देगा, फिर एग्जाम देने के बाद उसकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी और फाइनली उसके बाद फिर एफ कार्ड हाँ है। अगर वो तीन साल यहां भी देख लीजिए, अब पहले क्या था 12th पास भी ऐसा कर सकता था, अब क्या कर दिया कि अगर आप जी कार्ड होल्डर हैं और आप ग्रेजुएट हैं तब आप एलिजिबल है। तीन साल आपने एज ए जी कार्ड काम कर लिया है तब आप क्या, तब आप अगर तीन साल एज ए कार्ड जी कार्ड कर लिया और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप एग्जाम देख सकते हैं, और एग्जाम देने के बाद आप पास करते हैं, उसके बाद आपका मौखिक वो होता है, इंटरव्यू होता है, जो कि कमिश्नर लोग होते हैं वो आपका एग्जाम मतलब भौक मतलब भरवली एग्जाम होता है, उसमें यदि आप पास करते हैं तो आपको फिर जो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करके और फिर आपको लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस आपके नाम पे भी हो सकता है, किसी फॉर्म के नाम पे भी हो सकता है, या किसी प्राइवेट लिमिटेड भी फॉर्म के नाम पे हो सकता है, और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। मतलब बेसिकली दो तरीके, या तो आपने मास्टर डिग्री करी हो आप डायरेक्ट एग्जाम दे दो, या तो आपने किसी सीएचए के अंडर में काम किया हो, आपको पहले एच कार्ड बना के देगा सीएचए अपनी अथॉरिटी से, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ आपकी जो नॉर्मल रेसिडेंस प्रूफ वगैरह। अब एच कार्ड में भी अब आ गया है रूल, कि पहले क्या था कि कोई भी अगर 10th पास है तो भी कर लेता, पहले तो ये भी रिक्वायरमेंट नहीं था 10th पास, ऐसे ही जाता था, लेकिन अब कर दिया उसमें भी ग्रेजुएशन ला दिए लोग। अच्छा, एच कार्ड में भी ग्रेजुएशन, अब एच कार्ड में भी ग्रेजुएशन की डिमांड कर दी। एच कार्ड अभी 12th पे है और जी कार्ड के लिए भी अब ग्रेजुएशन कर, मतलब एच कार्ड आपने बनवा लिया हो आफ्टर 12th किसी सीएचए के अंडर में, फिर आपने एग्जाम जब भी होता है जी कार्ड का, आपने जी कार्ड का एग्जाम दिया हो और जी कार्ड लेने के बाद आपने 3 साल कस्टम्स में काम किया हो, फिर आप एफ कार्ड यानी लाइसेंस का एग्जाम दे सकते हैं, दे सकते हैं। ये दो तरीके हैं बेसिकली। ठीक है, तो सीएचए का पता लग गया आप लोगों को किस तरीके से बनना है, तो आप लोग हर मतलब कौन से लास्ट के 3 महीने में, लास्ट क्वार्टर में ये नोटिफिकेशन हाँ, आता है हर साल, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आएगा तो दीदी। और जी कार्ड का भी ठीक इसी तरह हर साल लास्ट में ही आता है फॉर्म, और वो भर के अप्रोक्स हर साल जो 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 सीएचए का एग्जाम होता है वो मार्च के महीने में हो जाता है, और जो ये जी कार्ड का होता है वो भी फरवरी मार्च के एंड तक एग्जाम हर साल हो जाता है। तो ये पूरा तरीका था कि हाउ टू बिकम अ सीएचए। तो अब बात करते हैं इंपोर्ट की, क्योंकि सर का एक्सपर्टाइज ज़्यादा इंपोर्ट में है, तो थोड़ा सा इंपोर्ट के बारे में सर से बात करेंगे कि सर इंपोर्ट अगर कोई करता है तो ठीक है, कंप्लाइंस के बारे में हमने बात कर ली, प्रोडक्ट किस तरीके से चुने कि क्या प्रोडक्ट किसी बंदे को इंपोर्ट करना है, क्योंकि इसके ऊपर भी बड़ा ना यूट्यूब पे हुआ रहता है कि हाउ टू चूज द राइट प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट, हाउ टू चूज द राइट प्रोडक्ट, हाउ टू चूज प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फॉर इंपोर्ट, ये वाला बड़ा क्वेश्चन घूमता है। देखिए बिल्कुल आपने ये सही चीज बोला है। देखिए मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जैसे मुझे इतना एक्सपीरियंस है, अगर कुछ मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगा कि ये जितने ज्ञानी बैठे हुए हैं ना कि आप ये प्रोडक्ट कर लो वो प्रोडक्ट कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वो ज्ञानी इतने ही ज्ञानवर्धक हैं तो वो खुद कर लेते हैं। जैसे हम लोग हमें बोलते हैं ना ऑक्शन के लिए आप ज्ञान दे रहे हो खुद क्यों नहीं करते, तो हमने ऑक्शन में माल खरीद के दिखाया है लोगों को। ठीक है, तो इसी तरह देखिए मेन में जिस प्रोडक्ट में आपका एक्सपर्टीज है
मैं उस प्रोडक्ट में, मेरा काम है कि आपको प्रॉफिट दिखा देना, और आपको दिखा देना कैसे होता है कि इंपोर्ट, बाकी देखिए एज पर डेटा, मतलब ऑब्वियसली अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास पहुंच गया, उसको बेचना तो है आपको लोकल मार्केट में, प्रॉफिट वहीं से मिलेगा, प्रॉफिट वहीं से मिलेगा आपको। अब क्या है कि हुआ बना देते हैं कि ये कर लो वो कर लो, अरे ऐसा नहीं है जब तक आपको नॉलेज नहीं है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं, अगर आप ये आईफोन के अगर रीसेलर हैं, ठीक है, आप अपनी दुकान पर रख के बेचेंगे ना, ये 70,000 का है तो 71,000 का भी आप बेच सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ले जाके कहीं किसी को दे रहे हैं ना, जहां आप इसकी ऑथेंटिसिटी आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे लोग क्या होगा ना, अब एक जनरल से छोटा सा इंफॉर्मेशन लीजिए, अगर एक सोनार है वो सोना बेचने जाएगा ना, तो वो जो रेट है उससे महंगा बेचेगा, लेकिन जब आप बेचने जाओगे ना, तो वो क्या होगा, वो लोग कहेंगे नहीं भाई ये तो चोरी का होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो जेन्युइन हो, चाहे वो बिल दे रहे हो, या तो अगर बिल दे रहे हो तो या तो होगा इनकी मजबूरी है भैया सस्ते में खरीद लो। तो ठीक उसी तरह ये व्यापार है कि अगर आप एक उस आइटम के व्यापारी है, उसको नॉलेज है, तो आपको पता है कि कैसे बेचना है, कितने में बेचना है। और यदि आप व्यापारी नहीं है, आप सोचे कि पैसे के दम पे हम मंगा लेते हैं जी हम बेच लेंगे, नहीं, तो वो सिर्फ वो कर सकते जिनके पास पैसा बहुत अफरात है, कुछ भी मंगा लिया जी, रखा हुआ है रखा हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि माल कितने दिन तक, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कोई नहीं है, जिसमें नॉलेज के प्रोडक्ट प्रॉफिट आपको कमाना है, फिर वह कुछ बिल्कुल जिसमें आपको नॉलेज है, जिसमें आप एक्सपर्टीज है। मैं आपको एक छोटा छोटा चीज बता दूं, हमारे ऐसे क्लाइंट थे जो ना ऑल्टो में चलते थे, आज रोल्स रॉय और जगुआर में चलते हैं, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वो बिजनेस का अच्छे से नॉलेज था, फादर उनके करते थे, फादर का 20 साल का एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट कैसे बेचना है मार्केट में, और बच्चे क्या हुआ एजुकेट हो गए, अब बच्चे उसको इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ दिया, तो बच्चे उसी प्रोडक्ट को एक फैक्ट्री से लेके आते हैं और यहाँ पे उनका ऑलरेडी कस्टमर बेस बना हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप समझिए उसी प्रोडक्ट को अपनी कॉस्टिंग कम कर दी, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, मार्केट एक उनका बना हुआ था। अब एक चीज बताइए कि मैं अगर चाहूं कि मैं ये भी लाके बेच लूं, वो भी लाके बेच लूं, मैं नहीं बेच सकता हूं, मेरा मंगाने का एक्सपर्टीज है, मेरा कैसे उसमें छूटेगा, कैसे हम सस्ते रेट में निकाल सकते हैं, उसमें एक्सपर्टीज है। अगर आप कहोगे बेचने में एक्सपर्टीज, तो मेरा नहीं है। ठीक उसी तरह से एक व्यापारी को बेचने में एक्सपर्टीज होता है, उसको ये एक्सपर्टीज नहीं है कि हम कहां से क्या प्रोडक्ट लेके आए, उसके लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। आप किसी भी प्रोडक्ट में जिसका आपको थोड़ा भी नॉलेज है, आप उसका डाटा निकालिए, डाटा से आपको बहुत सारे सप्लायर उसके मिल जाएंगे, विदेश के भी और बहुत सारे बायर इंडिया के भी मिल जाएंगे। पहले आप उस इंडिया वाले से कांटेक्ट करके थोड़ा माल लीजिए, आपको जब वो उसका मार्केट बन जाए उसके बाद आप इंपोर्ट कीजिए ना, मैं गारंटी दूंगा लिख के, अगर लॉस हो जाए ना तो सारा लॉस मैं उठा लूंगा आपका। लेकिन अगर आप उस तरीके से नहीं करेंगे, देखिए किसी भी काम को करने के लिए इंपोर्ट कर लेंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। युवा है, कुछ युवा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या समझते हैं, स्मगलिंग का अड्डा समझ लेते हैं और वो सोच के आ जाते हैं और अपना पैसा बर्बाद करके चले जाते हैं। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है, आप अच्छा काम करें, अच्छा काम करेंगे तो आपको सरकार से भी प्रोत्साहन मिलेगा और कहीं ना कहीं फायदा होगा। देखिए थोड़ा धीरे ग्रो करेंगे, लेकिन जब ग्रो करेंगे आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। जो दो नंबर का काम होता है उसका कोई लाइफ नहीं होता है, आपने स्टार्ट किया पैसे बनाए या तो आपको साइड हो जाना है, उसका कोई नाम नहीं है, लंबे टाइम तक नहीं चलता, सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल, अगर आपने चला भी लिया तो पता लगा कि आपने 10 शिपमेंट निकाल लिए, 11वीं शिपमेंट आपकी पक भी जाती है और पुराने 10 शिपमेंट का जितना था वो भी सारा वसूल लिया। अच्छा एक बात दीपांकर जी और बताऊंगा, ये जितने मास्टर हैं ऑनलाइन सिखाने वाले, ये यही तो हवाला देते हैं कि ये टॉप 10 प्रोडक्ट, अरे टॉप 10 प्रोडक्ट उसके व्यापारी कर रहे हैं भाई, जिनको नॉलेज है उस टॉप 10 प्रोडक्ट में, उन्होंने अपने, उनके बाप दादा, उन्होंने अपना टाइम दिया है भाई, कोई नया उठ के उस टॉप 10 में नहीं शामिल हो सकता है। तो जब तक आपको, आप अपने प्रोडक्ट को टॉप 10 बनाओ ना भाई, आप अपने प्रोडक्ट में मेहनत करोगे, 100% बायर भी है और 100% सप्लायर भी है, अगर आप अपने प्रोडक्ट में मेहनत कर रहे हैं। सेम गोज फॉर एक्सपोर्ट आल्सो, एक्सपोर्ट के लिए भी सेम है कि आप वही आइटम करो जो इसके बारे में आपको पता है, और एक्सपोर्ट में क्या है कि फिर आप लोगों का थोड़ा ओवरसीज का चला जाता है कि ओवरसीज पता नहीं कि वो बायर पैसे देगा नहीं देगा। हाँ। उसमें भी बड़ा नहीं, उसका, उसको सिक्योर किया जा सकता है। एलसी वगैरह पे करो आप, एलसी में भी मान लीजिए फ्रॉड होता है कई बार। देखिए लोग कहते हैं एलसी में फ्रॉड नहीं होता है, मैं आपको बता दूंगा, जो छोटी कंट्रियां हैं साउथ अफ्रीकन कंट्रियां, उनके बैंक ही करप्ट हो जाते हैं, वो एलसी तो आ गया, आपने माल भेज दिया, मैंने बनाया था इसके ऊपर, आपने बैंक ही उठ जाते हैं, बैंक ही खत्म हो जाते हैं। तो वहां उसको सिक्योर करने के लिए जो इंडिया के फॉर्म है एपीसी, आप वहां से उसको
इंश्योर करवा सकते हैं, हाँ वहां से इंश्योर करा सकते हैं और वहां से इसका इससे बड़ा सही तरीका होता है ईपीसीजी से। आप अगर ईपीसीजी आपको उस बायर के अगेंस्ट में अगर वो दे रहा है गारंटी दे रहा है तो मतलब वो बायर सही बायर है, सही बायर है, अगर पैसे फंस भी जाएंगे तो आप वहां से पैसे ले सकते हैं, वो मिल जाता है। तो ये सिक्योर करने के बहुत सारे तरीके हैं, जब आप धीरे धीरे चीजों को जानेंगे तो आप चीजों को समझ पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए कई लोग इसका गलत फायदा उठाते कि गलत माल भेज दो और ईपीसी से पैसे ले लो, तो ये सब गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ये सब बिल्कुल देखिए आप जेन्युइन तरीके से काम कीजिए, काम बहुत है पैसा बहुत है। अच्छा दीपांकर जी आप सच बात बताइए, आप इतने दिनों से वीडियो बना रहे हैं जी, क्या आपको कुछ ऐसा लगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट एकदम ऐसा है कि बस आते पैसा बन जाए? मुझे तो नहीं, मेरे को आज तक नहीं मिला। अब आप ये सोच लीजिए कि हम लोग इतने डीप घुसे हुए हैं, जब हमें प्रोडक्ट नहीं मिला तो आपको कोई मास्टर जो लॉलीपॉप दे देता है कि ये प्रोडक्ट कर लीजिए वो प्रोडक्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट में पैसा तभी बनेगा जब आपको प्रोडक्ट की डीप नॉलेज होगी। अगर प्रोडक्ट की डीप नॉलेज नहीं है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप पैसे नहीं बना पाएंगे। आप प्रोडक्ट की पहले नॉलेज पे अपना टाइम खर्च कीजिए, मैं कह रहा हूं बायर भी आपके पास आएंगे, पैसे भी आपके पास आएगा और आप एक अच्छा सक्सेसफुल व्यापारी भी बन जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी सर। ये तो ठीक है, ये हो गया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो है वो लोग कंप्लायंस को बड़ा मिस कर देते हैं कि उन लोग ऊपर ऊपर से बता देते हैं और कंप्लायंस अंदर क्या चल रहा है, कौन सी नोटिफिकेशन चल रही है, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन काम करता है, किस तरीके से पूरा प्रोसीजर काम करता है वो, क्योंकि उनका एक तो एक्सेस नहीं है दूसरे ट्रेनर्स का वो उस जगह पे जहाँ पे हम लोग जाते हैं, अंदर उन्होंने कभी अपने खुद से काम कराया नहीं कि डब्बा खुलता है तो अंदर बोलते हैं कुछ निकलता ड्रोन है, तो ये सारी चीजें अलग है। तो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, कंप्लायंस वाला पार्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंडिया में काम करते हैं तो हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट अभी भी उतना ईजी नहीं है, आप कुछ ढूंढने जाओगे तो वो मिलेगा ही नहीं यार, बिल्कुल चीजें इतनी जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। आज ही नोटिफिकेशन आया, कल दूसरे उसी प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग लग गई तो आपका प्रॉफिट खत्म हो जाता है। बिल्कुल पता लगे इस कंट्री से आपने इंपोर्ट किया, उस कंट्री से कर सकते हो, उस पर्टिकुलर बंदे से सप्लायर से इंपोर्ट करेंगे तो आपको एंटी डंपिंग नहीं लगेगी, किसी और से करेंगे तो सब पे एंटी डंपिंग लगेगी। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इसका ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल, जैसे वेलक्रो टेप एक होता है ना, जैसे एक शूज वगैरह में जो आप देखते हैं जैसे उखाड़ते हैं तो चट चट आवाज करती है, तो वो किसी जैसे चाइना है तो वो डिफाइन किया हुआ जो सप्लायर है उससे आप करेंगे तो उस पर एंटी डंपिंग नहीं है, अगर आप किसी तीसरे से कर लेते हैं तो उस पर एंटी डंपिंग देना पड़ेगा। वही सेम केस है मलेशिया में, अगर मलेशिया में जो वेरीफाइड सप्लायर है उनसे करते हैं तो नहीं लगेगा आपको कोई ड्यूटी, ड्यूटी भी नहीं लगेगा, ड्यूटी भी नील हो जाएगा उस पर, अगर आप किसी तीसरे से कर रहे हैं तो उस पर आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी भी देनी पड़ जाएगी। तो ये सारी है, और ये देखिए कोई एकदम से आके इन चीजों को नहीं सीख सकता है, आप समझिए चीजों को, टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा प्रॉपर, और हर काम पैसे से नहीं होता है, जहां आपको टाइम देना है वहां प्रॉपर आपको टाइम ही देना होगा। आप जब टाइम नहीं देंगे तो आपको लॉस हो जाएगा, या तो आप बिजनेस कर नहीं पाएंगे, या तो आप उसमें कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर देंगे और कैलकुलेशन या तो बहुत कम जोड़ लेंगे या बहुत हाई जोड़ लेंगे, तो ना ही आपको कैलकुलेशन कहीं हाई जोड़ना है और ना ही कम जोड़ना है। मतलब पूरा चीज आपके सामने क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये ला के इतने घर में हमें इतने रुपए का पड़ेगा, तभी आप उस पे सही से सक्सेसफुली बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये जो सारे कंप्लायंसेस जैसे BIS हो गया, WPC हो गया, आपका ADC हो गया, ये कॉस्मेटिक्स वाला हो गया, इसको बंदा कैसे वो करे, मतलब अप्लाई करे? कई लोग कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी कल ही एक क्लाइंट को ओवरसीज से मेरे को उसने कॉल किया कि मुझे कॉस्मेटिक इंपोर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो मैंने उनको समझाया कि ये CDSCO है, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, वहां से आपको अपना प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कराना है, फॉर्म 42-43 के अगेंस्ट में आपको मिल जाएगा, आप फिर उसके बाद कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इन चीजों को मतलब एक बहुत इजीली ये लोगों को पहुंच जाए, ये भी बड़ा एक मेरे को लगता है कि इस टाइम पे थोड़ी दिक्कत है कि लोगों को पता ही नहीं कि किस तरीके से इन चीजों के लिए अप्लाई करना, खुद करे या किसी को बीच में एजेंट को पकड़े। मैं तो सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि खुद मत करो, क्योंकि खुद करने जाओगे डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में टक के रह जाओगे, तो इस टाइम पे तो सबसे इजी तरीका है। देखिए दो चीजें हैं, आप दीपांकर जी जो कह रहे हैं कि इजी नहीं है खुद करना, मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन एजेंट भी इतने हाई चार्ज कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, वो भी है ना। ठीक है, अगर ठीक है मैं कह रहा हूँ कि अब जैसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, मैं भी वीडियो बना देता हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें कर दिया, ठीक है कि भाई स्क्रैप इंपोर्ट करना है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना है, लीगली 10,000 रुपए फीस है, बिल्कुल सही, बट वहां खर्चा कितना होता है, जो लीगल कंप्लाई से आप पूरा कर नहीं पाएंगे, आपको पैसा खर्च करना होगा, एजेंट जो है इसके लिए 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, तो ये जो है इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, या तो आप लीगल कंप्लाइंसेस को पूरा करो। अब लोग भी जो है ना, जो इंपोर्टर है वो भी बड़े तेज है, उनको लीगल कंप्लाइंसेस भी पूरे नहीं करने पैसे, इसलिए मैं कहता हूँ बस भाई ये रास्ता है, करना आपको खुद है, या तो आप मेहनत कर सकते हो खुद जाओ, या गूगल में लिखो भैया एजेंट, आप मैं भी किसी
एजेंट को नहीं सजेस्ट करता हूँ, ना कोई एजेंट अगर किसी क्लाइंट से पैसे ले लिए और टाइम पे काम नहीं कर पाए तो फिर तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी ना, मार्केट में नाम खराब हो जाएगा। तो इसलिए है कि देखिए, या तो अगर आप खुद मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो मेहनत में क्या हो गया कि लोग कहीं जाने से डरते हैं। अब ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, वो फोन करके वो चाहते हैं कि घर बैठे उसको सारी डिटेल मिल जाए। नहीं, आप अगर पोल्यूशन का लाइसेंस लेना चाहते हैं या आप जैसे बोले कॉस्मेटिक में, तो पहले उस विभाग में जाइए, अपना टाइम खर्च कीजिए, वहां समझिए, वहां पे समझाने के लिए कस्टमर डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, वो सरकार उसको सैलरी दे रही है, सरकार उसको फंड दे रही है, तो उसका यूज है कि आपको जब तक अपने घर से नहीं निकलेंगे, अपना टाइम खर्च नहीं करेंगे। अभी भी ये सारी छोटी छोटी चीजें इतनी ज्यादा ऑनलाइन नहीं हुई है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको देखिए दीपांकर जी, यही है कि जिसको अगर मान लीजिए कि कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए, अगर मान लीजिए कि हर आइटम को तो सबका जरूरी नहीं है, अगर मैं कॉस्मेटिक कर रहा हूं तो मुझे उसमें जाना है कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में, तो अगर मुझे पता है कि मैं रिजिड हूं, मुझे ये करना ही है, तो मुझे ये मेहनत कर लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर हम किसी, देखिए आप एजेंट के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन वो बाद का रास्ता रखिए, पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, अगर बेसिक नॉलेज नहीं हुआ तो एजेंट आपको लूट लेगा, 2 लाख की जगह फिर आपको 50,000 में काम कर देगा। हाँ, अगर नॉलेज हुआ तो, अगर नॉलेज नहीं होगा तो फिर तो देखिए आपको लूटना तय है, और बहुत लोग मार्केट में बैठे होंगे जिनको बस लूटने का ही काम है और कोई काम है नहीं। तो एक ही सॉल्यूशन है दीपांकर जी मेरे हिसाब से, हो सकता है आपके पास कोई दूसरा सॉल्यूशन हो, कि टाइम आपको खर्चा करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कंप्लायंस का वीडियो सर बनाते हैं, थोड़ा बहुत नहीं बना देता हूं कभी कभार, थोड़ा बहुत आपको वहां से भी मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत डिटेल आपको वहां से मिल जाएगा। ये तो ठीक रहा, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर ली, कंप्लायंस की बात कर ली, कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सा इंपोर्ट प्रॉफिटेबल है, वो भी बता दिया हमने। तो आप ये बताइए कि आप इसके फ्यूचर को किस तरीके से देख रहे हैं, अभी जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है हमारी इंडिया में, क्योंकि अभी भी चीजें जो है वो सारी मैनुअल है। सर, फ्यूचर मैं आपको बताना चाहूंगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा। हाँ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ, चाइना 5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है, ट्रिलियन का, ये मैं आपको कोविड से पहले का बता रहा हूँ। अभी हमने भी रिसेंटली सर टारगेट सेट किया है 2030 तक कि हम 5 ट्रिलियन का या 1 ट्रिलियन का है। आप मेरी बात तो सुनो, आप वो चीज अज्यूम ही नहीं कर सकते जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। चाइना कोविड से पहले 5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता था एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, अभी क्या हुआ है क्या नहीं अभी हम देखेंगे, इसको तो पता चलेगा, लेकिन आप कितना करते हैं, 500 बिलियन, 400 बिलियन, सबसे हाई 500 बिलियन। आप कहीं है ही नहीं रेस में। बिल्कुल सही बात है, आपको रेस में आने के लिए बहुत बड़ा आपके पीछे, मतलब देखिए आप जिस हिसाब से आपको रेस में आना है, इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। अगर चाइना 5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर सकता है तो उसके बाद सेकंड तो हम ही हैं। सेकंड अगर जैसे हम बन रहे हैं तो हमारे पास तो इतना बड़ा मार्केट आने वाला है इंडिया के पास कि हम भी, अरे हम 5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखेंगे तो हम 2-3 ट्रिलियन तक तो पहुंच ही सकते हैं। बिल्कुल, तो मार्केट बहुत बड़ा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर हमें गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स करने की जरूरत है ना इस फील्ड, थोड़ा सा पॉलिश की जरूरत है, थोड़ा सा पॉलिश होते ही मैं कह रहा हूँ बूम करेगा पूरे विश्व में। भारत ही एक ऐसा देश है जो बूम करने की स्थिति में आज है, चाइना को रिप्लेस करने के लिए हम, बिल्कुल, सिर्फ पूरे विश्व के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है भारत के अलावा, बस सरकार और युवा को साथ आना है, नॉलेज जहां पे, जैसे कि हमने अभी कंप्लायंसेस की बात करी, इसके ऊपर सरकार बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है, उसको और उस हिसाब से वहां तक पहुंचाना है। देखिए सरकार के और जो आम आदमी है उसके बीच में एक बैरियर है, दलाल जो ब्रोकर्स है, तो वहां पे ज्यादा चीजें क्लियर होने की जरूरत है, क्लियर करने की जरूरत है। अगर कोई कंप्लायंस को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसको उसमें थोड़ा सरकार को भी लिबरल होना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, इसके बदले आप ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दीजिए। अब कई जगह जैसे मान लीजिए कि कई अब छोटे छोटे जगहों पर क्या होता है कि जैसे बड़ा छोटा सा है कुछ भी एक्सपोर्ट करने के लिए ईडी कोड रजिस्टर्ड करना है, ठीक है, आपने ऑनलाइन तो कर दिया, लेकिन लोगों को यही नहीं पता है कि उसका ARN कैसे जनरेट होगा, वो आम आदमी कर ही नहीं सकता। कॉम्प्लिकेटेड है सर, मैंने वीडियो बनाया, इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो। अब लोग कहते हैं कि सर वो प्रोसीजर बता दो, मैंने साहब बोले भैया मेरे को नहीं आता, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो, मुझे ही नहीं आ पा रहा, एक आम आदमी कैसे करेगा। अब छूटते क्लाइंट का फोन आता है मेरे पास, सर ऑनलाइन तो होता है आप करवा दो, मैंने बोला सर DGFT का ये टोल फ्री नंबर है आप खुद कर लो, ऑनलाइन हो जाता है, हम तो जाके फिजिकली कराएंगे। जो उनका वो है क्या कहते हैं आइस गेट ने जो वो PPT दिया हुआ है, मैं उनको शेयर कर देता हूँ, बट मुझे पता है कि
इतने सारे नहीं कर पाया कोई, मैं आपको बता रहा हूँ। वो मेरे को एक, मैंने ARM ही जनरेट नहीं कर पाते हैं। मेरे को एक बंदे ने AD कोड के लिए बोला, तो मैंने उनको बोला कि ये फीस है, हम जो मैनुअल करते हैं, जो भाई फीस तो लगती है मैनुअल में, आपको पता है। मैं बोलता हूँ कि सर ये है, आप चले जाओ खुद करा लो, मैं कह रहा हूँ मुझे एक रुपया नहीं चाहिए। लेकिन आज के टाइम में किस बच्चे की सैलरी 10,000-15,000 से नीचे है? एक दिन दो दिन का टाइम लगेगा, जाएगा आएगा, खर्चा है। इसलिए मैं पूरा रास्ता बताता हूँ कि आप यहाँ जाइए, उससे मिलिए, आप खुद कर लो ना, इतना कोई झंझट में। लेकिन आप टाइम खर्च नहीं करना चाहते हैं, और ऑनलाइन तो होने से रहा, वो जब हम नहीं कर पाते हैं तो आपको तो और दिक्कत आएगी जी, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ये कि थोड़ा सा इन चीजों को मेरे को लगता है कि सरकार को वही सरकार कर देती है, बट उसके बाद उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता, मतलब इतना कॉम्प्लिकेट रहती है चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, बहुत सारे गवर्नमेंट के कस्टम के अधिकारियों का कॉल आता है हमारे पास, उनके रेफरेंस से आते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास जो लोग आते हैं ऑक्शन के लिए, बड़े बड़े लोगों के, मैं नाम पब्लिकली नहीं कर सकता हूं, जो एडिशनल कमिश्नर है, कमिश्नर के रेफरेंस से लोग आते हैं और काम कर रहे हैं वो लोग, मतलब कि हाँ जी ये है वो है, हम उनका नाम नहीं ले सकते पब्लिकली, लेकिन आते हैं लोग। हमारे पास गुजरात से लोग आते हैं, हमारे पास महाराष्ट्र से लोग आते हैं, हमारे पास अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो वो लोग भी चाहते हैं, वो जानते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसा होता है कि वो खुल के साथ में नहीं आ सकते खुल के। तो मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो आपके वीडियो देखते हैं, जो हमारा वीडियो देखते हैं, जो रिटायर्ड ए कैटेगरी के अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग को आगे आके हम लोग का हेल्प करना चाहिए, जिससे हम बेटर वे में जो हमारे यूथ हैं उसको हम रास्ता दिखा सके। ऐसा होना चाहिए, आपके बिल्कुल जी, थोड़ी सी सरकार को रिफॉर्म करने की जरूरत है। और इसके साथ ही दूसरा मेरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि डिजिटल थोड़ा सा करना और चाहिए कि लोगों को इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हम ही एज अ CHA, आप ही ऐसा CHA कुछ ढूंढने जाते हैं तो हमें 100 वेबसाइट्स देखनी पड़ती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं, पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, उसके बाद जाके कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो भी लगता है, हम जाके पर्सनली कंफर्म करेंगे ऑफिसर से, तब पता लगेगा हाँ ये हो सकता है। बिल्कुल। आप देखिए, एक आम इंसान के लिए जब हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम है कि हम कुछ कस्टम से कंफर्म किए बिना डरते हैं करने के लिए, थोड़ा सा डिजिटल करने की जरूरत है आपके साथ। अब क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट हमारे ऊपर चढ़ जाता है, सर आपको कैसे नहीं पता हो सकता, अरे दिक्कत है। तो जब मैं ये कहता हूँ कि जब हमें इतनी दिक्कतें हैं तो इस जो एक आम आदमी है उसको कितना दिक्कत होता है। तो आज का जो एक आम आदमी है, जो यूथ है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाह रहा है, उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए राइस एक्सपोर्ट करना है, तो राइस एक्सपोर्ट सेलेक्ट करे, राइस सेलेक्ट करे, वो सारे कंप्लायंसेस और सारे रिक्वायरमेंट्स वहां पे लिख के आ जाए कि आपको एक्सपोर्ट करने से पहले ये काम करने हैं। देखिए सर, वैसे कहने के अभी तो आज की डेट में बहुत सारे वेबसाइट्स तो है, बट उसमें डेटा ढूंढ पाना ना, जो बंदा ढूंढ रहा है वो भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल बहुत अजीब सा होता है, इतनी सारी चीजें होती है, इतनी सारी नोटिफिकेशन, क्योंकि वहां पे भी ढूंढ पाना तक काफी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, लगता है उसको भी थोड़ा सा चेंज करना, उसको थोड़ा सा अच्छे वे में प्रेजेंट करना, इजीली लोगों को मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि कल मैंने जो वो देखा कॉस्मेटिक्स का, वो काफी अच्छा था, मुझे इजी लगा काफी, मेरे हिसाब से तो इजी लगा, मैंने आधे घंटे के अंदर पूरा निकाल दिया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने बहुत जगह मेल किया हुआ है, बहुत जगह हमने रिक्वेस्ट किया कि इसको ठीक किया जाए, बट नो रिस्पॉन्स। और तो ये है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। हमने आप कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में कह रहे हैं, मैंने मेल डाला, कई मेल डाले, अभी तक कोई जवाब ही नहीं आता है। तो एक तो कि हम किसको अप्रोच करें विभाग में, कई जगह नंबर दिए हुए, ईमेल आईडी दिए हुए, वो काम ही नहीं करता। तो यहाँ थोड़ा सा सरकार को ठीक करने की जरूरत है, थोड़ा सा कस्टमर सर्विस थोड़ा सा डिजिटल कर दे, जिससे कि लोग एक बार बात कर पाए, बात हवा में घूमते रहेंगे, बात कर पाते तो उनको कम से कम थोड़ी शांति मिलती है, चलो किसको यह है बंदा सामने बैठा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है, तो डिजिटाइजेशन की थोड़ी सी कमी है और थोड़े से चीजों को आसान बनाने की कमी है, लेकिन ठीक है, हम फिर भी इस सरकार की हमें तारीफ करनी होगी। पहले से तो सर पिछले अगर 5-7 साल में करें तो उसमें तो सर जमीन आसमान का फर्क है, तो ये थोड़ा सा तारीफ करना होगा, और हमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होंगे। और अभी पीछे जो था, लगभग 90 या 100 आइटम पे गवर्नमेंट ने मांगा था डिटेल कि आप अपना सुझाव दीजिए, तो ये सारी चीजें लोगों को पता होनी चाहिए कि कभी हम किस टाइम पे क्या एक्शन लेना है। तो सरकार जो नियम बनाती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी का भी उसमें इफेक्ट होता है, तो आम आदमी को भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसका उसी हिसाब से कंप्लेन भी करना चाहिए, तब जाकर के सरकार को भी पता चलेगा कि हाँ ये चीजें गलत हैं। बिल्कुल सही बात जी, बिल्कुल सही बात सर। सर ये तो ठीक हो गया, अब हो गया कि हमने प्रोडक्ट का बता दिया, कंप्लाइंस का बता दिया, तो सबसे इजी वे इस टाइम पे यही है कि आप डेटा वगैरह एक अच्छा वे है ना, कुछ बिल्कुल अच्छा है, डेटा इज द न्यू ऑयल, तो डेटा
आप तो डेटा का भी आपका मेरे ख्याल बिजनेस है कि आप डेटा भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी कंपनियां हैं सर। देखिए आज एक डॉलर बिजनेस करके अभी मैंने देखा कुछ एक डॉलर बिजनेस करके हैं जो डेटा वगैरह काफी प्रोवाइड कर, बहुत सारी हैं सर डॉलर से रिलेटेड और भी हैं। लेकिन देखिए डेटा आपको कोई दे देगा लेकिन जब तक सही से कोई गाइड करने वाला नहीं होगा डेटा बेकार है आपके लिए, ठीक है। तो जो हम, मेरी भी टाई अप है किसी कंपनी से, तो जो हम आपको डाटा देंगे हम आपको समझाते हैं प्रॉपर कि हाँ ये ऐसे होता है, इसको आप ऐसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं कि उसमें कई सारी चीजें मिसिंग है, तो आप उसको कैसे और अच्छे वे में ढूंढ सकते हैं, हम उसको प्रॉपर समझाते हैं। तो उसको क्या होता है कि एक हाँ अगर उसने कोई कुछ पैसा खर्च किया तो उसका उसको बेनिफिट मिल जाता है। तो सर ये देखिए सारी चीजें तो हो गई ऑलमोस्ट कि किस तरीके से सीएचए बने, किस तरीके से इंपोर्ट शुरू करें, किस तरीके से एक्सपोर्ट शुरू करें, क्या छोटी छोटी चीजें जिसका ध्यान रखना जरूरी है, डिजिटाइजेशन के ऊपर भी थोड़ी बहुत हमने बात कर ली। तो आपका एक फाइनल थॉट दे दीजिए कि किस तरीके से इस टाइम पे अगर किसी को ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो किन चीजों का ध्यान रखे, कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे खत्म करें चीजों को। देखिए अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं, ठीक है, मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ बट मेरा जो है मैंने जो देखा हुआ है पिछले 15-16 सालों में, उसमें आपको सबसे पहले क्या है, अगर आपका मार्केट आपको चेक करना चाहिए, फिर फॉरेन मार्केट चेक कीजिए कि कहां से आ रहा है। देखिए अगर कोई सप्लायर 20 लोगों को माल इंडिया में दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो जेन्युइन है, वो आपको भी माल देगा। अगर कोई स्पेसिफाइड सप्लायर है और कोई स्पेसिफाइड बायर है, इसका मतलब जान लीजिए वहां पे कुछ गड़बड़ है, वहां पे आप ना जाए। प्लस डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे, जो भी प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे आप विशेष ध्यान दें। प्लस खर्चा कि कहाँ कहाँ हिडन खर्चे हैं, देखिए बहुत सारे हिडन खर्चे हैं जो एक आम व्यापारी को, जो एक नया आदमी है उसको पता नहीं चलता है। तो पहले आपको पूरा खर्चा, और खर्चा कैसे पता चलेगा, जब अगर आप कुछ इंपोर्ट करने जा रहे हैं या एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं उसका आप प्रॉपर नॉलेज फॉरवर्डर को नहीं देंगे, आप सीएचए को नहीं देंगे, तो फॉरवर्डर सीएचए कॉल उठाते ही कॉल आपका काट देगा कि भैया आपको पता ही नहीं आपको क्या एक्सपोर्ट करना है। देखिए वो इंस्टीट्यूट तो खोल के बैठे नहीं है, इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हुए हैं यही हम लोग यूट्यूब पे, यहां से आप सीख सकते हैं। और उसके बाद एक सीएचए का काम है तो सीएचए को जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप प्रॉपर दीजिए, तब आपको रेट देंगे। एक फॉरवर्डर को आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए, जैसे कि पैकिंग क्या है, कितना सीबीएम माल है, कितना वजन है, बाय सी लाना चाहते हैं, बाय एयर लाना चाहते हैं, तब आपको फ्रेट फॉरवर्डर आपको रेट देगा। हमारे पास 90% कॉल आते हैं कि सर हमें ये माल लाना है चाइना से, रेट बता दो किस चीज का आप रेट मांग रहे हैं उसको एकदम। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्वांटिटी के साथ चेंज हो जाती है, सीबीएम के साथ चेंज हो जाता है, पैकिंग के हिसाब से आपको चेंज हो जाएगा, कंप्लायंसेस के हिसाब से आपको चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई फूड प्रोडक्ट है तो उसमें तो 9-10 हजार रुपए कंप्लायंस का ही लग जाएगा आपको, या और भी बहुत सारे एडीसी का जरूरत पड़ गया, एनओसी का, या और भी बहुत सारे जहां पे अलग अलग चीजें पड़ती। तो पहले आप पहले चीजों को समझे काम करने से पहले, देखिए रेट लेना है आपको तो रेट लेने से पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप इकट्ठा कीजिए। और मैं गारंटी देता हूं अगर आप इन सब पे काम करके तब जब आप करेंगे ना आपको कहीं लॉस नहीं होगा, बस प्रॉफिट ही होगा। या तो आप स्मगलिंग कर रहे हैं कुछ भी भैया चलो कि हमें तो प्रॉफिट होना है तो आप किसी चीज पे ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन आपको अगर प्रॉपर बिजनेस करना है टाइम के लिए करना अच्छे से और लंबे टाइम के लिए, तो आपको इन सारे तथ्यों पे, डॉक्यूमेंटेशन पे, एक्सपेंस पे और डेटा के ऊपर, इन सब के ऊपर एनालाइज करना चाहिए और सोचना चाहिए, उसके बाद आपको गो अहेड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक चीज और भी बहुत लोग गलती करते हैं कि एक बार में बहुत सारा सामान बुक कर लेते हैं एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए। मेरे को लगता है कि छोटा सा अगर करेंगे, एलसीएल करेंगे या छोटा एयर से भेजेंगे तो उनको एटलीस्ट थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है कि किस तरीके से चीजें काम करती है। हाँ बिल्कुल, आप अगर फर्स्ट टाइम इंपोर्टर हैं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ कि देखिए फर्स्ट टाइम इंपोर्टर के साथ फॉरवर्डर भी बहुत बड़ा धोखा देते हैं, तो उसके लिए आप मंगाएं लेकिन हमेशा एलसीएल जो भी शिपमेंट कर रहे हैं कभी भी सीआईएफ आपको नहीं करना है, एफओबी शिपमेंट ले और अपने अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया के फॉरवर्डर को चुने, यदि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी आप एफओबी ही दें, क्योंकि आप जिस भी फॉरवर्डर को माल देंगे ना आपसे यहां तो $10-20 ले लेंगे लेकिन आपके जो इंपोर्टर है वहां पे वो $500 चार्ज कर देंगे, वो दोबारा जो इंपोर्टर है आपके पास आएगा ही नहीं। अगर आप भारत के एक्सपोर्टर हैं तो, अगर आप भारत के इंपोर्टर हैं जो विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप वहां जब सब आप सीआईएफ लेंगे तो चार्ज फ्रेट का वहां भी ले लिया जाएगा, और फिर जो उनके नॉमिनेटेड एजेंट होंगे वो आपसे जितने का माल नहीं, अगर 1 लाख का माल है ना तो 1.5 लाख रुपए आपसे भाड़ा चार्ज कर लेंगे, और वो ऐसे भाड़ा होता है जिसका कोई हमने कभी सुना नहीं होता, हमने कभी नहीं सुना। बिल्कुल बिल्कुल, वो
बिल्कुल अनजस्टिफाइड वो कुछ चार्ज लगा देते हैं और बाद में जब उनके ऊपर कार्रवाई होगा तो वो कहेंगे जी हमें कमीशन देना होता है वहां। तो ध्यान रखिए, यदि आप एक एक्सपोर्टर हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, अगर आपको छोटा माल भेजना है तो आप अपने बायर को बोलिए कि भैया मैं तो एफओ भी दूंगा, आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर को अपॉइंट करो, तो वो एक फ्रेट फॉरवर्डर दे देगा। या अगर आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू भेजना चाहते हैं तो उससे पहले क्लियर कर लीजिए कि हमारे जो बायर हैं उनको $100 या $50 से ऊपर का इनवॉइस नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपसे यहां $100 ले लिए और अमेरिका में जाकर के वो $2,000 उनसे मांग लेंगे, वो दोबारा इंपोर्टर आपसे माल नहीं खरीदेगा, तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। और यदि आप एक इंपोर्टर हैं तो आप एफओबी लीजिए और अपने भारत के कोई भी फ्रेट फॉरवर्डर को आजकल गूगल कीजिए, बहुत सारे फ्रेट फॉरवर्डर मिलेगा, उनसे पहले आप रेट ले लीजिए कि भैया मेरा 100 किलो का माल है, इस जगह से उठ के यहां आना, आप टोटल खर्चा बता दो, वो टोटल लिख के दे देगा अगर आप उनको सही वे में इंफॉर्मेशन देंगे। और जो इंडिया वाला रेट है मान लीजिए उसने जोड़ के दिया ₹10,000 और चाइना वाला या किसी भी कंट्री जहां से आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो बोल दिया जी नहीं हम तो जी आपको इसको $100 में भेज देंगे, आप $10,000 तो हो गया जी, $10,000 वो $150 हो गया और चाइना वाला तो जी आपसे $100 ले रहा है, तो आप चाइना वाले को हाँ कह दोगे। अब चाइना वाला उधर क्या किया, $100 ले लिया और उसका नॉमिनेटेड एजेंट जो होगा यहां पे आपसे ₹1,00,000 लेगा और दोगे नहीं तो जाओगे कहां, क्योंकि आपने माल का पैसा पहले दे रखा है, फ्रेट का पैसा पहले दे रखा है। अब लास्ट में क्या होगा, रो के या धो के, मैंने देखिए पिछले 14-15 सालों में ऐसे हजारों केस देखे हैं जो चाइना से माल आया ₹1,00,000 का और यहां ₹1,50,000 शिपिंग चार्जेस भरने पड़ गए, वो ₹1,00,000 में पहले ही शिपिंग चार्जेस दे दिया था और यहां आकर के बहुत सारे, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पीछे तो मैंने नाम भी लिया हुआ है वीडियो में, उनका इनवॉइस भी दिखाया हुआ है। तो ये बहुत ही दुखद है, सरकार को भी इसके ऊपर एक कड़ा नियम बनाना चाहिए कि अगर कोई हमारे जो यंगस्टर है उसको लूटा ना जाए इंपोर्टर एक्सपोर्ट के नाम पे। तो बस यही है सर, बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि और भी हम साथ मिलके, हम चाहते हैं कि साथ मिलके हम युवाओं का मार्गदर्शन करते रहें, जो हमारा एक्सपीरियंस है, मैं नहीं कह रहा हूं कि हाँ हम लोग बहुत एक्सपर्ट बना देंगे, लेकिन हम आपको बहुत जगह फ्रॉड होने से, चीट होने से बचा सकते हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो हम आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। यदि आप एक नए यंगस्टर हैं, यदि आप अभी 10th पास किया, 12th पास किया, तो हम आपको डॉक्यूमेंटेशन का इतना नॉलेज दे देंगे कि जिससे आप एक अच्छा खासा जॉब ले सकते हो। अगर जॉब नहीं ले भी सकते हो तो आगे आने के टाइम में इस बिजनेस को आप जितना आसानी से कर पाएंगे उतने आसानी से पैसे वाले नहीं कर पाएंगे। जो आपका नॉलेज होगा ना, जब एक बार नॉलेज आपके पास पूरा होगा तो मुझे नहीं लगता कहीं आपको कोई दिक्कत आएगी। बिल्कुल, इस बिजनेस में नॉलेज पैसे से ज्यादा बढ़ गए। बिल्कुल, नॉलेज कोई देगा ही नहीं आपको। खुद एज अ सीएचओ जब हम पोर्ट पे जाते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं कि ये वाला आइटम किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, वहां पे एक ही बात सुनने को मिलती है, भाई इस बिजनेस में नॉलेज का ही पैसा है, इन्फॉर्मेशन तो पैसे हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था पूरा वीडियो दोस्तों धीरज सर के साथ, इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वहाँ फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होंगी जो किसी और दूसरी ट्रेनर के चैनल पे आई होप आई गेस की ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, इतनी क्या कहते हैं डीप नॉलेज नहीं मिल पाती आप लोगों को। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।